जय माता की, जय गुरुवर की। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ अभी अनूपपुर टेस्ट ग्राउंड के जस्ट बाजू में, इधर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, आप लोगों को पता ही है जैसे कि मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, फिर भी सुबह सुबह घूम रहा हूँ। और इधर है जीजा और सुरेंद्र है, इधर देखो भाई लोग, हाय बोल दो एक बार। अरे इधर देख के तो हाय हाय बोलो। हाँ हाँ मतलब क्या है ना, थोड़ा शर्माते हैं लगता है मेरे ख्याल से, बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी शुरुआत है। तो एक्चुअली यहाँ पर इधर आया था घूमने के लिए सुबह सुबह, तो मुझे कुछ याद आ गई, बहुत पुरानी बात है। जब हम अनूपपुर में रहा करते थे तब मैं सुबह सुबह 4:30 बजे या 5 बजे यहाँ आया करता था, और मैं फुल स्पीड से 6 या कभी कभी 10 राउंड लगाया करता था उस टाइम, है ना। तो वो दिन यार, मतलब अभी तो ऐसा है कंडीशन की भी देख रहे हो, हॉस्पिटल तक आना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। आज के डेट में मुश्किल से भी 1 राउंड भी नहीं लगा सकता, लेकिन वो दिन क्या यादगार दिन थे जब अनूपपुर में होते थे, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने आते थे, है ना, इस ग्राउंड में। और एक और ग्राउंड है उधर, ग्राउंड नहीं है वो तालाब है, उसके बाजू में उधर रनिंग लगाते थे जब समाजपुर में रहते थे, और इधर रहते थे ये शांति चेतना नगर में, इसको चेतना नगर बोलते हैं ना सुरन, ये वाला इधर। हाँ पहले इधर रहते थे ना, हाँ इधर है चेतना नगर, तो यहाँ पे रहते थे तब इधर आते थे रनिंग के लिए इस ग्राउंड में, उत्कृष्ट ग्राउंड में। और ये इधर देख रहे हो पीछे, ये उत्कृष्ट स्कूल है। ठीक है, बस सुबह सुबह आया था तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूं और दिखा दूं इधर की चीज़ें, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुनसान वातावरण, अभी गाड़ी घोड़ा कम चल रही है ना, जब गाड़ी चलने स्टार्ट हो जाती है तो शहर फिर शहर ही है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर जिसको अगर सुकून चाहिए शहर में, थोड़ा जल्दी सुबह उठकर वॉक करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, है ना। कितना शांति वातावरण लग रहा है, देख रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ, और सभी लोग शायद जो सुबह सुबह जो टहलते हैं उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा सुबह सुबह, ठंडी ठंडी हवा, धूप निकल जाएगी तब तो हवा का नामो निशान नहीं रहता है शहरों में, ना तो यही सीन रहता है। और इधर है रोड, ये वाला जतहरी रोड। तब इधर आए थे घूमने के लिए, तो अभी चलते हैं धीरे धीरे हॉस्पिटल। ठीक है, और आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत लोग फेसबुक पे मैसेज किए मेरे को, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं टपक गया हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि मैं टपका नहीं हूँ, वो जो ज़्यादा सीरियस था ना उस टाइम का जो फोटो था, फोटो लिए थे वो, उस फोटो को मैंने डाला था रेस बनाकर, तो इस वजह से बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं टपक गया हूँ, तो टपका नहीं हूँ, अभी सही हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। ठीक है, बस आप लोगों को ऐसे छोटी छोटी अपडेट देता रहूंगा, और बस आप लोगों से एक ही अनुरोध रहता है कि अगर आप नए हैं मेरे फेसबुक में तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस आप लोगों के साथ इसी तरह का वार्तालाप करते रहेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता की, जय गुरु।